नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और 9 अन्य व्यक्तियों एवं कंपनियों पर सेबी ने 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। टेकओवर कोड रेगुलेशन के उल्लंघन और शेयर होल्डिंग में अनियमितता के मामले में ये जुर्माना लगाया गया। सेबी ने अपने 85 पेज के आदेश में कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर और मामले में शामिल अन्य संबंधित लोगों ने कंपनी की करीब 7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की बात सही तरीके से नहीं बताई। ये मामला जनवरी 2020 का है, जब 1994 में जारी 3 करोड़ वारंट के कन्वर्जन के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रमोटर की हिस्सेदारी में 6.83% की बढ़त की गई थी। आरोप ये है कि इनमें प्रमोटर समूह के द्वारा सेबी के रेगुलेशन 1997 के नियमों के मुताबिक ओपन ऑफर नहीं लाया गया। नियम के मुताबिक जब कोई प्रमोटर ग्रुप 5% से ज़्यादा अतिरिक्त हिस्सेदारी ले रहा हो तो उसे उसी वित्त वर्ष में मॉनिटरिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक ओपन ऑफर लाना होता है। अपने आदेश में सेबी ने कहा है कि प्रमोटर ग्रुप और अन्य आरोपियों ने टेक ओवर रेगुलेशन 11(1) का उल्लंघन किया है। सेबी ने इसके लिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कोकिला बेन अंबानी, नीता अंबानी, टीना अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग, रिलायंस रियल्टी और कई अन्य लोगों एवं कंपनियों पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना सभी को मिलकर देना होगा। अगर आदेश के 45 दिन के भीतर जुर्माना नहीं दिया गया तो सेबी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।